और राज्य की जेलों में अब उपद्रव व मारपीट और अन्य गतिविधियों पर जेल अफसर पर्दा नहीं डाल पाएंगे। जेल में होने वाले सभी प्रकार की गतिविधियां अब कैमरे में कैद होंगी। आने वाले दिनों में जेलकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरा पहनकर ड्यूटी करेंगे और कैमरे में कैदियों की मनोस्थिति का भी पता लगाया जाएगा। लाख कोशिशों के बाद भी जेल में मोबाइल, सिम कार्ड, मादक पदार्थ या अन्य आपत्तिजनक पदार्थ पहुंचना बंद नहीं हो पा रहे। कैदियों से मारपीट, आपस में लड़ाई और अराजकता भी नहीं रुक रही। इसके खिलाफ अब जेलों में बंदियों और स्टाफ पर नजर रखने के लिए बॉडी वॉर्न कैमरों का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को 80 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। लेकिन इस मामले में कुछ मुख्य बातें और भी हैं, उसे भी जान लीजिए। राजस्थान समेत 4 राज्यों की जेलों के लिए शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रोजेक्ट के लिए 80 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। उप सचिव अरुण सोपती ने राज्य के सीएस, प्रमुख सचिव गृह, एसीएस वित्त को चिट्ठी लिखी है। बजट तुरंत जेल महकमे को ट्रांसफर करने की सलाह, ताकि प्रोजेक्ट शुरू हो सके। बॉडी वॉर्न कैमरे से जेल के हालात और कैदियों का व्यवहार रिकॉर्ड किया जाएगा। बॉडी वॉर्न कैमरों में विजुअल के साथ आवाज भी हो सकेगी रिकॉर्ड। पहले चरण में संवेदनशील जेलों में, फिर अन्य जेलों में शुरू होगा प्रोजेक्ट। कैदियों के व्यवहार की रिकॉर्डिंग मनोवैज्ञानिक और विधि फॉरेंसिक एक्सपर्ट करेंगे अध्ययन। कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। राज्य की जेलों में अब कैदियों पर पुलिस कर्मियों की और पुलिस कर्मियों पर कैमरों की नजर होगी। राज्य के विभिन्न जेलों में अब बॉडी वॉर्न कैमरे लगाए जाएंगे, जिनसे पुलिस और कैदियों की मिलीभगत उजागर हो सकेगी। इसके लिए प्रदेश की जेलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। अब देखना यह है कि जेलों में पहुंच रहा संदिग्ध सामान रुक पाएगा या नहीं। कैमरामैन भूषण सोनी के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।